हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय और फ्रेंड्स आज मैं आपको सिखाऊंगा iPhone 5s और iPhone 6 की डिस्प्ले को कैसे रिप्लेस करें। ठीक है, तो अभी मेरे पास एक iPhone 5s है, तो सबसे पहले मैं iPhone 5s से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इस फ़ोन को पहले हम डिस्प्ले निकाल लेते हैं। हमने डिस्प्ले चेक कर लिया है, ओके है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो पुरानी डिस्प्ले टूटी हुई थी, पहले इसकी जो हमारे जो पार्ट लगे हुए हैं, सीट लगी हुई है, होम बटन है और ये फ्रंट कैमरा, स्पीकर, इनको पहले हम अलग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी जो होम बटन टच आईडी हमारी है, सबसे पहले इसी को अलग करेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आप पहले कहीं से भी स्टार्ट करो, होम बटन से करो, आप जहाँ से मर्जी वहीं से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि खोलना तो सारे ही है। ठीक है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैंने इसकी सीट के स्क्रू खोल देता हूँ। आप फ्रेंड बेशक खोलो कहीं से भी, लेकिन स्क्रू का ध्यान रखना, स्क्रू कहीं और ना जाए। ठीक है, सब स्क्रू अलग अलग रखना हर चीज़ के, कोई अलग अलग मत लगा देना। ठीक है, वरना बाद में दिक्कत आ जाती है। तो चलिए अब इसको हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ जो सारे स्क्रू हैं, इसको पहले मैं सारे खोल लूँगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे भी स्क्रू है, इसके सारे स्क्रू खोल लेंगे। तो फ्रेंड मैंने इसमें पहले भी कई वीडियो बनाए हैं डिस्प्ले पे, लेकिन ज़्यादा नहीं है, हैंगे आईफोन के, एक 5 के भी, 6 के भी, सबके हैंगे। लेकिन मैं हर वीडियो में फ्रेंड आपको कुछ ना कुछ नया बताता हूँ, कुछ सिखाता हूँ कि जिससे कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए। क्योंकि हर जब भी कोई काम आता है, अगर आपके पास वो काम दोबारा आ जाए, तीसरी बार, चौथी बार आ जाए, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि आप जितनी बार आपके पास वही काम आता है, तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें गड़बड़ निकलती हैं, या कुछ ना कुछ कमी निकलती है, या कोई ना कोई दिक्कत आपको आती है। सारे काम फ्रेंड एक जैसे नहीं हो पाते, सेम नहीं हो पाते, लेकिन स्टेप तो ऐसे ही डिस्प्ले लगाना कहेंगे कि हाँ भाई डिस्प्ले लगानी है, कोई बात नहीं। लेकिन हर जगह फ्रेंड कोई ना कोई दिक्कत आती ही है। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि वैसा कि दोबारा अगर डिस्प्ले की वीडियो बनाई है, लेकिन इसमें जो भी प्रॉब्लम आती है, बाई चांस कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाए जो आपको ना पता हो, उससे वो भी आपको पता लग जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ वीडियो बना के कि पहले जो वीडियो मेरी बनी हुई है उनमें वो दिक्कत नहीं मिली, तो इनमें वो दिक्कत मिल सकती है, तो आपको भी कुछ सीखने को मिलता है, मिल सकता है कि हाँ ये भी दिक्कत आती है। तो देखिए, जब भी आप न्यू डिस्प्ले लगाओगे तो उसकी स्टिकर उतार देना। तो फ्रेंड स्टिकर जो होता है, ये इसकी पैकिंग होती है, अगर जब तक स्टिकर लगा हुआ है तब तक ये हमारी डिस्प्ले मार्केट में दोबारा वापस हो सकती है। अगर स्टिकर हट जाएगा तो फिर ये वापस नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, जो भी हो आप पहले चेक कर लीजिए स्टिकर हटाने से पहले। कोई कोई फ्रेंड ऐसे भी होते हैं कि स्टिकर हटाते ही नहीं है और डिस्प्ले पूरी पैक कर देते हैं। ठीक है, वो इसलिए करते हैं कि उनको खुद ही नहीं विश्वास है कि ये डिस्प्ले चलेगी या नहीं चलेगी, कल को परसों को वापस आ जाए तो हम दोबारा उसको वापस कर सकते हैं। ठीक है, वो इसलिए नहीं हटाते स्टिकर। तो फ्रेंड मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप स्टिकर हटा दीजिए। अगर स्टिकर हटा दोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो पीछे के जो स्टिकर होता है ना, जो हमारी सीट लगा रहे हैं, वो सीट हमारी जो पीछे डिस्प्ले से अटैच होती है, तो थोड़ा उससे तो इसका जो फीलिंग होती है ना डिस्प्ले और सीट की, दोनों मैच होती है, बीच में पन्नी आ जाती है, तो इससे कुछ ना कुछ अंतर डिस्प्ले में आता है। तो पन्नी सिर्फ फ्रेंड वो सिर्फ कंपनी की पहचानी है, वो सिर्फ स्टिकर होता है एक तरह का, जो हम ऊपर पन्नी पीछे पन्नी होती है, वो सिर्फ एक स्टिकर होता है। आप उसको उतार के ही लगाइए, पहले अच्छे चेक कर लीजिए, फिर आप उसको लगा दीजिए। ये मत सोचिए कि यार स्टिकर लगा दे तो कल को प्रॉब्लम आ जाए तो वापस कट हो जाए। तो मैं आपको एक बार बता दूं फ्रेंड, अगर आप स्टिकर नहीं बता रहे हो, कल को अगर कस्टमर वापस भी आता है, तो ऊपर का जो स्टिकर होता है वो भी आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आप उसको भी नहीं हटाना पड़ेगा, अगर आपको ऐसा ही काम करना है तो। ठीक है, अगर आपको पीछे का भी स्टिकर नहीं हटाना है तो आपको आगे का भी स्टिकर नहीं हटाना होगा, तो ऐसे ही फ़ोन दे दीजिए। ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको पीछे छोड़ के, आप पीछे का स्टिकर उतार दीजिए। कभी देखा है आपने फ्रेंड कभी डिस्प्ले में कि कंपनी देती है तो स्टिकर लगा के देती है पीछे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप हटा के लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी सबकी अपनी सोच है फ्रेंड, आपको जो हिसाब से काम करना आप करिए, लेकिन मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि कभी भी काम करिए तो साफ सुथरा ही करिए, जैसे कंपनी करके देती है वैसे वैसे ही काम करिए, कोई इसमें कुछ छोड़िए मत चीज़ें। क्योंकि जो कंपनी की पैकिंग वगैरह, स्टिकर वगैरह कुछ भी हो, निशान वगैरह भी हो, साइन भी किया, वो सब हटा दीजिए, मतलब नॉर्मल कर दीजिए, अपना हिसाब से सही काम कर दीजिए। ठीक है, आप छोड़िए, छोड़ना मत उसके अंदर। ठीक है, तो देखिए मैं इसको ऑलरेडी फिट कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से आप, अगर फ्रेंड आपको
मेरी कुछ बातें समझ आती हैं, अच्छी लगती हैं, कुछ सीखने को मिलता है, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप सर जो बताते हो वो ठीक बताते हो या कुछ भी हो आप बता सकते हो, ठीक है। मैं तो वैसे भी वेट करता हूँ आपके कमेंट्स का कि मेरे वीडियो से क्या क्या सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए अब मैंने देखिए सीट भी लगा दी है, बातों बातों में सीट भी लगा दी है, स्पीकर भी हटा दिया, सब कुछ कर दिया। अब यहाँ पे जो स्पीकर का फ्रंट कैमरे का जो है ऊपर की सीट वो लगा देते हैं। तो आईफोन को रिपेयर करना कोई फ्रेंड मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान है, ठीक है। एंड्रॉयड फ़ोन में आपको तरीका एक बताऊं कि एंड्रॉयड फ़ोन जो होते हैं एंड्रॉयड फ़ोन ज़्यादा रिस्की होते हैं, आईफोन तो बहुत ही आसान है, इसमें तो आप बिना बेफिक्र होकर गारंटी भी कस्टमर को एक महीने दो महीने की दे सकते हो, लेकिन एंड्रॉयड में आप नहीं दे सकते, क्योंकि पता है फ्रेंड एंड्रॉयड बड़ा झमेला फ़ोन है, उनका कुछ पता नहीं। लेकिन आईफोन में क्या होता है, बहुत ही आसान फ़ोन है, मैंने आपको पहले कई बार बताया हुआ है, आईफोन को करना बहुत ही आसान है और कोई रिस्क नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड कोई भी आईफोन है तो आप उसको रिपेयर कर लेना, कहीं मतलब घबराना मत, कुछ सोचना मत, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स करिए, मेरे को कॉल करिए, मैसेज करिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मैं इसका होम बटन अब फिक्स कर देता हूँ। तो फ्रेंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैंने आपको बताई है, कोई भी मार्केट से चीज़ लाओ उसे कैसे लगाना है, कैसे यूज़ करनी है, क्या चेक करनी है। और फ्रेंड अगर आपको डिस्प्ले चेक करके लेनी है तो इससे पहले मैंने वीडियो बना के लगाई हुई है, इससे पहले मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड आप कोई भी आईफोन को रिपेयर कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे होम बटन इसका है, अब होम बटन भी फिट कर देता हूँ। तो यहाँ से क्लिक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको स्क्रू है, इसको लगा देता हूँ। आप फ्रेंड प्रॉपर सब कुछ चेक कर लेना कि बाद में कोई दिक्कत ना हो, कभी कभी ऐसा होता है कि जो सीट ऊपर हुई होती है हमारे होम बटन की वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है या उल्टी लग जाती है, तो याद रखना, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमने इसको कंप्लीट कर दिया डिस्प्ले, अब मैं इसका टच का पत्ता लगा देता हूँ, टच कनेक्टर यहाँ से लगा दिया, ठीक है। तो इसको फिट कर देते हैं, दिक्कत आती है इसके अंदर, ठीक है। अब ये डिस्प्ले का कनेक्टर है, इसको भी लगा देते हैं। इसके बाद ये सेंसर का पत्ता है, सेंसर, फ्रंट कैमरा, स्पीकर, उसको लगा देते हैं थोड़े यहाँ पे भी, ये लगा दिया। इसके बाद बैटरी कनेक्टर, अब इसको फिट कर देते हैं यहाँ से, इसको जो हम चिमटी है इसको, हम हमारी टच आई डी है इसको आप फिक्स कर देते हैं, टच आई डी हमारी, ठीक है। ये देखिए यहाँ से इसको फिक्स कर देता हूँ, तो ये इसकी लग गई, ठीक है। आप फ्रेंड टच आईडी लगाओगे तो चिमटी से ही लगा देना, जल्दी फिक्स हो जाएगी, ठीक है, और किसी से मत करना, फिक्स नहीं होगी। अब इसको ऑन करते हैं। तो देखा फ्रेंड आपने, इस तरह से फ्रेंड आप आईफोन 5S की डिस्प्ले को रिप्लेस कर सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं फ्रेंड, देखिए अब नेक्स्ट पे आईफोन 6 पे। तो देखिए आईफोन 6 है मेरे पास, इसको अब हम डिस्प्ले रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके सामने, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इसमें इसको डिस्प्ले रिप्लेस करें। तो ये बॉडी भी फ्रेंड यहाँ बैंड हो रखी है, डॉट वगैरह काफ़ी हैं इसके अंदर, देखते हैं डिस्प्ले हमारी बैठती है या नहीं, ठीक है। तो ये देखिए मैं अभी मार्केट से डिस्प्ले लाई हुई है मैंने, तो ये कॉपी है। तो फर्स्ट फ्रेंड कॉपी और जी में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बट ब्राइटनेस का फ़र्क आ जाएगा, लेकिन और नाम का फ़र्क आ जाएगा, हाँ कॉपी ओरिजिनल है। तो आप कॉपी में लगाते होगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चीज़ वही है, काम वही है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो आप लगा सकते हो, कस्टमर को यह मत डरा मना मत कस्टमर को कि सर ओरिजिनल ही लगवाइए, कॉपी मत लगवाइए, ऐसे में फ्रेंड आपको ही घाटा होगा इसके अंदर, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। सिर्फ नाम का होता है कॉपी और बाकी ब्राइटनेस का, लेकिन ब्राइटनेस फिर भी सही रहती है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ उसमें लगा के, तो चेक कर लेते हैं कि इसकी डिस्प्ले वर्किंग है या नहीं, पहले बैंड फिट करके देखूँ, नहीं इसको फिट नहीं करूँगा तो बाद की बात में देखेंगे, पहले मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो डिस्प्ले हमने ऑन कर दी, जब तक ये ऑन हो रही है तब तक मैं इसके सारे स्क्रू खोल देता हूँ, सीटें खोल देता हूँ, स्पीकर खोल देता हूँ। तो जो फ्रेंड स्टेप मैंने 5S में किए थे वही स्टेप मैं अब 6 में भी कर रहा हूँ, वही स्टेप आप 7 में भी कर सकते हो, 7 प्लस में भी कर सकते हो, 6S, 6S प्लस, सब में एक जैसा ही स्टेप है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, दिखा रखे हैं वीडियो में 6 प्लस को, 6S प्लस को, 6S को कैसे मतलब डिस्प्ले को रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। तो मैं सब सारी सीटें ऐसे खोल दूंगा, सब कुछ स्क्रू खोल दूंगा,
ठीक है फ्रेंड, आप इस काम को, अगर आपके पास आईफोन आए तो आप घबराना मत, बल्कि आप एक्साइटेड हो जाना, खुश हो जाना कि आज मेरे पास आईफोन आया है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हो, और ये ठीक है। तो ये देखिए, अब ये डिस्प्ले हमारी वर्किंग कर रही है, टच भी कर रही है, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पहले सारा जो पुरानी डिस्प्ले थी हमारी, उसको पहले अलग कर देते हैं, खोल खाल देते हैं, उसके बाद ही हम इसको करेंगे सही, ठीक है। तो देखिए, मैंने भी सीट खोल दी है, यहाँ पे स्पीकर सेंसर का पत्ता इसको निकाल दिया है। देखिए हमारी डिस्प्ले यहाँ पे वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली सारी सेटिंग सही है, ठीक है। तो इसको मैं स्विच ऑफ भी कर, अभी फिलहाल स्विच ऑफ कर देते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, तो अलग कर देते हैं। अब जो हमारी डिस्प्ले है पुरानी वाली, इसको पहले अलग करेंगे, इसका सिस्टम जो अलग कर देते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड, ये डिस्प्ले भी कॉपी ही है, पहले लगी हुई है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है, ये स्टिकर नहीं उतारा है ना, इसकी मतलब स्टिकर उतारा ही नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको, ये वैसा ही है। तो चलिए हम अपने हिसाब से काम करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, ठीक है, उस हिसाब से करते हैं। पहले मैं इसका स्टिकर उतार दूँगा, क्योंकि फ्रेंड मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि मैंने अभी तक जहाँ देखा है कि आईफोन में कंप्लेंट नहीं आती है, आईफोन में ना डिस्प्ले में आती है, ना किसी चीज़ में भी कंप्लेंट आपको नहीं मिलेगी। तो आप बेफिक्र रहिए, इसमें आप कोई टेंशन मत लीजिए, कुछ गलतियाँ नहीं होंगी इसके अंदर, क्योंकि कंप्लेंट जो आती है फ्रेंड एंड्रॉयड में ही आती हैं, ओरिजिनल में ये आईफोन में बिल्कुल भी कंप्लेंट आपको नहीं मिलती हैं। 100% में 2% ही कंप्लेंट है, बाकी तो 98% तो ओके ही रहते हैं फ़ोन, कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको असेंबल करता हूँ दूसरी हमारे नई डिस्प्ले के अंदर। देखिए स्पीकर हटाने के बाद आपको पता भी नहीं लगेगा फ्रेंड कि ये डिस्प्ले ओरिजिनल ही कॉपी है, तो इसलिए आप कॉपी ही लगा दीजिए, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं सारे स्क्रूज में लगा देता हूँ नई डिस्प्ले में, जैसे हमने 5S में किया था फ्रेंड, वैसे ही हम इसमें भी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम सब कुछ असेंबल कर लेते हैं, सारी चीज़ें हमारी इसकी जो भी हैं सब लगा लेते हैं। तो आप फ्रेंड समझ गए होंगे कि आईफोन 5S की सेटिंग, 6 की सेटिंग, तो आईफोन 7, 6S कोई भी हो, आपको सेटिंग इस तरह ही करनी है, आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है, आप इस तरह करिए। अगर आप फ्रेंड नए हो किसी इस लाइन में, तो आपको स्क्रू ड्राइवर का भी नॉलेज होना चाहिए। स्क्रू ड्राइवर जो हमारे होते हैं अंदर के, जो स्क्रू हैं सब एंड्रॉयड के ही स्क्रू ड्राइवर लगेंगे, लेकिन हमारा जो ये आईफोन के होते हैं बाहर के स्क्रू, वो आपको अलग से स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा। वो स्क्रू ड्राइवर फ्रेंड आजकल के वीवो, ओप्पो, आईफोन्स और भी कुछ फ़ोन्स हैं, लेनोवो वगैरह, तो उनमें भी ऐसे स्क्रू आ रहे हैं जो आईफोन के स्क्रू ड्राइवर से ही खुलते हैं, ठीक है। तो आप दो तरह के स्क्रू ड्राइवर लिए, एक एंड्रॉयड का और एक आईफोन का, जिससे कि आपको दोनों ही स्क्रू ड्राइवर हर फ़ोन में आपके यूज़ होंगे, ठीक है। जो पहले के जो नोकिया के फ़ोन थे, मोटरोला के फ़ोन थे, वो बड़े चौड़े वाले मुँह के स्क्रू ड्राइवर से खुलते थे, लेकिन अब वो बंद हो चुके हैं सिस्टम, अब सब में एंड्रॉयड का स्क्रू ड्राइवर है, 3-4 पिन वाला वही चलते हैं, ठीक है, और आईफोन वाले। तो आप यही दो ले लीजिए, आपके काम सारे फ़ोन में हो जाएंगे, आप कन्फ्यूज मत होइए, ठीक है। मार्केट में जैसे ही मिलते हो तो आप उसको, अगर आप फ्रेंड्स में खुलते नहीं है, तो आप उसको अगर नॉक में कोई दिक्कत है, नॉक को नीचे ज़मीन में रख के घिस दीजिए, तो वो थोड़े फैल जाएंगे और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने सेंसर का पता लगा दिया, इसके बाद स्पीकर रखते हैं, तो स्पीकर को रख देते हैं यहाँ पे। देखिए हम यहाँ पे सारी सेटिंग हम इसमें कर रहे हैं, तो आपको फ्रेंड समझ में आ गया होगा जो जो मैंने आपको बताई ये चीज़ें। तो देखिए यहाँ से सारा इसमें जो भी है, इसका जो प्लास्टिक है कैमरे की, वो लगा देते हैं। तो फ्रेंड अगर आप नए नए हो गए, तो डिस्प्ले में आपको सही बताऊँ, आपको दिक्कत जो आएगी वो फ्रेंड कैमरा सेटिंग करते वक्त आएगी, क्योंकि नए नए जब सीखते हैं आईफोन रिपेयर करते हैं, तो उनको सिर्फ ऊपर ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, शुरुआत में होता है फ्रेंड कि आपको पूरे सब कुछ सही कर लोगे, आसानी से कर लोगे, लेकिन जब ऊपर आओगे आप फ्रेंड कैमरा पैक करने में, फिटिंग करने में, तब आपको दिक्कत आएगी कि मैं फिटिंग कहाँ से करूँ। अब तो फ्रेंड कंपनी ने डिस्प्ले में स्टिकर लगा दे दिया अंदर, जो हमारे जो स्पीकर के अंदर जाली होती है वो लगी लगाई मिल रही है। पहले तो फ्रेंड लगी लगाई जाली भी नहीं मिलती थी, हमको जाली कहीं से अरेंज करनी पड़ती थी, किसी और डिस्प्ले निकालनी पड़ती थी, लेकिन अब तो जाली लगी लगाई मिलती है, रबड़ भी लगी लगाई मिलती है, तो इससे हमारा काम भी आसान हो गया है, तो इससे हमें फ़ायदा है, ठीक है। नहीं तो पहले हमें दूसरे डिस्प्ले से ही रबड़ निकालते, जाली निकालते, जब जाके हमारा डिस्प्ले फिक्स होता था। अब तो फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो देखिए मैंने ऑलरेडी डिस्प्ले पूरी फिक्स कर ली है, तो मैं इस पत्ते को नीचे कर लेता हूँ।
ठीक है देखिए यहाँ से इसको फिक्स कर लेते हैं, ये पत्ते हैं। तो चलिए अब मैं इसको बोर्ड में लगा देता हूँ। पहले हमारा टच पैड कनेक्टर है, उसके बाद डिस्प्ले कनेक्टर है, उसके बाद हमारा फ्रंट कैमरा सेंसर जो होता है उसका कनेक्टर है, फिर उसके बाद जो हमारा ये डिस्प्ले ये सेंसर टच आईडी कनेक्टर। अब इसको हम स्टार्ट कर देखते हैं। तो देखिए स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब इसको ये हमारा लोगो आ गया, अब हम इसको फिक्स करते हैं, देखते हैं कि बैठता है कि नहीं, क्योंकि बोर्ड ही तो ब्रांड बैंड है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार करके कि फिक्स हो रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, तो फ्रेंड ये आसानी से बैठ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, जो सोचा था हमने वैसा कुछ नहीं है, आराम से प्रॉपर बैठ गई है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए ऊपर भी स्टिकर लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है, ये भी अब मत हटाना अगर आपको डर है कि वापस ना आए, तो ये भी मत हटाना, अगर ये हटा दोगे तो कभी ये डिस्प्ले आपकी वापस नहीं होगी, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरह से हमने आईफोन 5S और आईफोन 6 की डिस्प्ले को रिप्लेस किया, और आज मैं आपको बताया, देखिए कॉपी डिस्प्ले किसी ने लगाई थी तो ये स्टिकर नहीं हटाए, देखिए यहाँ रबड़ स्टिकर लगा हुआ है, यहाँ भी स्टिकर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सही से काम नहीं हुआ, ठीक है। तो हमने अपना काम प्रॉपर सही तरह कर दिया, सब कुछ हटा के परफेक्ट कर दिया है, ठीक है। अगर आपको फ्रेंड मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मैं इस तरह से आईफोन पे आपको वीडियो बना बना के देता रहूँगा जब भी मेरे को मौका मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड मैं आपको एक बात बता दूँ, अब फिलहाल जो मेरी वीडियोस हैं वो थोड़ा लेट आएंगी, कभी कभी 2 दिन में 3 दिन में आएगी, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गया हूँ। फ्रेंड मैंने आपको एक ट्रेलर दिया है वीडियो का, वो ट्रेलर से ट्रेलर है, अभी फुल वीडियो आने वाली है, क्योंकि फ्रेंड मैं अपना काम अब कुछ आगे ले जाना चाहता हूँ, जो मैं सोचा हुआ है उसके ऊपर मैंने ट्रेलर डाला है, क्योंकि नई नई सर्विसेज दे रहा हूँ मैं, ठीक है, अपना काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा वीडियो डालने में लेट हो जाएगी, इसलिए फ्रेंड सॉरी मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो बेल आइकन को दबा देना फ्रेंड, जिससे कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।